गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारे साथ आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। ये नोटिस आप लोग का 21 मई 2020 को आया था और देखिए यहाँ पे जो ये नोटिस को जारी किए थे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी ये डीजीटी के तरफ से नोटिस आया है। और ये नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो कब कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ऑफिस ऑर्डर है ये, और यहाँ पे एक बात आप लोग को क्लियर ढंग से समझा दिया गया है। और ये बात यहाँ पे ये है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम का जो टेंडर दिया गया था उस टेंडर का ये देखिए इसका नंबर दिया हुआ है और आईडी भी दिया हुआ है डीजीटी के तरफ से। और यहाँ पे ये बताया गया है तो किसी कारणवश से कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को दिया गया था यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो एग्जामिनेशन के लिए टेंडर दिया गया था वो जो टेंडर था वो पास नहीं हो पाया किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के वजह से, किसी रीज़न के वजह से। देखिए ये जो आरपी ढिंगरा जो है वो डायरेक्टर हैं डीजीटी के, उन्होंने इस नोटिस को भेजा है अपने तरफ से। और जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पूरा वीडियो को देखेंगे और आपसे जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड हैं जो आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग जो भी स्टूडेंट हैं वो उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। और कोई भी स्टूडेंट ऐसे हो जो एग्ज़ाम देने वाले हों तो उनका एग्ज़ाम नहीं छूटे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों की एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। इसका जो डेट दिया गया था वो जुलाई में दिया गया था और आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब एग्ज़ाम जुलाई में होगा तो आप लोग के पास अभी टाइम कम बचा हुआ है और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका एक तो क्लास नहीं हो पाया सही ढंग से, आपका प्रैक्टिकल सही ढंग से नहीं हो पाया, जिसके वजह से आप लोग अभी भी बहुत स्ट्रेस में हैं। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर कॉन्सनट्रेट करें। एग्ज़ाम तो जब होगी तब होगी ही, लेकिन एग्ज़ाम तो होना है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोग का एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन आप लोग को पढ़ाई पे कॉन्सनट्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप लोगों का मार्क्स वहाँ पे काउंट किया जाएगा। और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि आगे आप लोग का एडमिशन कहीं अगर लेते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई जॉब के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम जब भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे ताकि आप लोग का एग्ज़ाम चाहे जैसे भी हो आप लोग का मार्क्स अच्छा आ जाएगा और आगे की पढ़ाई करने में या जॉब करने में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोग का जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था टेंडर यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का, पता नहीं किसी कारणवश से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कैंसिल हो गया। ये हो सकता है रीज़न जो भी हो, बट यहाँ पे ये बताया गया है आरपी ढिंगरा के द्वारा ये नोटिस भेज दिया गया है और ये जो डीजीटी के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बात साफ साफ यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि सीटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम, यानी इसका मतलब आईटीआई ही होता है। सीटीएस और आईटीआई दोनों एक ही है, तो बस नाम यहाँ पे चेंज है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सीटीएस मतलब आईटीआई, यानी टोटल जितने भी आईटीआई के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये है न्यूज़। और आप लोग ध्यान से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन नहीं होगा, कैंसिल हो गया है, अब एग्ज़ाम आप लोग का ऑफलाइन ही होगा। बाकी की जो भी जानकारी होंगी, बाकी की जो भी एग्ज़ाम होंगी जब होंगी तो फिर नई जानकारी आएगी तो मैं आप लोग को उस बारे में बता दूंगी। तब तक फ़िलहाल के लिए ये जानकारी आप लोग के लिए आई थी, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो आप लोग आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और ध्यान से पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, इसके लिए भी आप लोग तैयारी कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के साथ कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, कंप्लीट करें अपने सारे कोर्स को और ध्यान रखें कि अच्छे मार्क्स आएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।